गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वैन पंप के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमेटिक डायग्राम के साथ वैन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन समझाया था, किस तरीके से वो केजिंग और रोटर के बीच के क्लियरेंस को सील करके लीकेज है उसको प्रिवेंट करता है, वो हमने देखा था। क्लियर। अब लास्ट जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आज लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे एप्लीकेशन से। दिस पंप कैन हैंडल थिन लिक्विड, डेट मीन्स लो विस्कोसिटी वाले जो भी फ्लूड होंगे जिसकी रिलेटिवली वेलोसिटी लो होगी और प्रेशर हाई होगा, उस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इस पंप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाउएवर दिस पंप आर नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन एंड फॉर दी हाई विस्कोसिटी फ्लूड और फ्लूड्स कैरिंग सम एब्रेसिव पार्टिकल्स। अगर हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए आपको पंप की रिक्वायरमेंट है तो वैन पंप हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर फ्लूड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, फ्लूड अपने साथ एब्रेसिव पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग वैन पंप यूज़ कर पाएंगे नहीं। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू मैनी मूविंग पार्ट्स। टोटल 3 मूविंग पार्ट्स या फिर टोटल 2 मूविंग पार्ट्स है, उसको बैलेंस करना, मेंटेन करना, मोशन प्रोवाइड करना, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। फिर जब मेंटेनेंस होगा मशीन का, रिपेयरिंग, वो सब कॉस्ट भी इसका बाकी पंप की कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसके लिए वैन पंप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। देखिए कौन सी एप्लीकेशन है। एरोसोल एंड प्रोपेलेंट्स, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। एरोसोल यानी लिक्विड आता है लाइक मिस्ट, मतलब जैसे हमारा परफ्यूम निकलता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, है ना, वेपराइजेशन जैसा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। एविएशन सर्विस, प्रोपेलेंट्स, एरोप्लेन चलाने के लिए जो प्रोपेलर यूज़ होते हैं, शिप चलाने के लिए जो प्रोपेलर सिस्टम यूज़ होती है, वहाँ पे एविएशन सर्विस के अंदर फ्यूल ट्रांसफ़र, डाइसिंग, एविएशन सर्विस यानी एरोप्लेन, जेट प्लेन, फाइटर प्लेन में जो फ्यूल ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, फ्यूल सप्लाई करने का सिस्टम होता है, उसके अंदर यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फ्यूल यूज़ करेंगे गैसोलीन, तो गैसोलीन की विस्कोसिटी तो पेट्रोल से भी कम होती है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल फ्यूल, लुब्रिकेशन, रेफ्रिजरेंट, कूलेंट, इन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडल करने के लिए। बल्क ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो जो LPG कैरियर आते हैं, बड़े बड़े शिप आते हैं जिसके अंदर बड़ी सी टैंक में LPG, CNG, PNG, अमोनिया, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र हैंडल करने के लिए पंप यूज़ करेंगे। फिर जब उसका बॉटल फिलिंग होता है, सिलेंडर फिलिंग होता है ऑक्सीजन का, LPG का, अमोनिया का, फ्लोरीन का, तो सिलेंडर फिलिंग, बॉटल फिलिंग के अंदर ज़्यादातर वैन पंप यूज़ होते हैं, ओके। फिर जो अल्कोहल्स होते हैं तो उसकी भी विस्कोसिटी कम होती है, तो उसकी बॉटल फिलिंग, ट्रांसफ़र, हैंडलिंग, टैंक के अंदर ट्रांसफ़र, स्टोरेज करने के लिए। रेफ्रिजरेशन, जैसे मैंने अभी बोला, फ्रियोन, एमोनिया, रेफ्रिजरेंट, क्लियर। बहुत सारे रेफ्रिजरेंट आ गए हैं, R12, R11, R22, R21,
तो कूलेंट्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट होते हैं, फ्रियोन बेस, एमोनिया, सॉल्वेंट, इन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर वैन पंप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे लिक्विड की विस्कोसिटी कैसी है, कम। अब आगे देखेंगे जो वैन पंप आते हैं, कई तरीके के आते हैं, तो उसमें पहला है अनबैलेंस वैन पंप, क्लियर है, डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ नाम याद रखना है, अनबैलेंस वैन पंप है, ठीक है। उसका जो रोटर होगा वो अनबैलेंस कंडीशन में होगा, फ्रीली रोटेट करेगा। फिर आता है एडजस्टेबल वैन पंप, जिसके अंदर हम लोग स्प्रिंग यूज़ करेंगे, पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट यूज़ करेंगे पंप को एडजस्ट करने के लिए, रोटर को एडजस्ट करने के लिए। फिर आएगा बैलेंस वैन पंप, क्लियर है, सेंट्रली बैलेंस किया होगा। तो ऐसे तीन अलग अलग तरीके के वैन पंप यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। तो हमको सिर्फ सिंपल यही याद रखना है कि भाई वैन पंप यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए, और ऐसे लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए जिसकी विस्कोसिटी रिलेटिवली बहुत ही कम होती है। अब आगे बढ़ेंगे, पंप के अंदर एक दूसरा मेन कैटेगरी है और इम्पोर्टेंट बोला जाए ऐसा पंप, पिस्टन पंप। टाइटल लगाइए और नोट डाउन कीजिए, पिस्टन पंप। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट सबको मालूम है, बस वही पंप होगा एज ए एक्टिवेटर, एज ए पंप। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। पिस्टन पंप आर मेंट फॉर दी हाई प्रेशर एप्लीकेशन। अगर हाई प्रेशर के साथ फ्लूड को ट्रांसफ़र करना है, ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग पिस्टन पंप यूज़ करेंगे। दिस पंप हैव हाई एफिशिएंसी एंड सिंपल डिज़ाइन एंड नीड्स लोअर मेंटेनेंस। पिस्टन वाले पंप की या फिर पिस्टन पंप की एफिशिएंसी हाई होती है, डिज़ाइन उसका सिंपल है और मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत ही कम होता है। दिस पंप कन्वर्ट दी रोटरी मोशन ऑफ दी इनपुट शाफ्ट टू दी रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ दी पिस्टन। जो भी शाफ्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर इंजन से घूमेगा, तो जो इनपुट एनर्जी होगी रोटेशनल मोशन में, ये पंप इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करेगा या फिर जनरेट करेगा। दिस पंप वर्क सिमिलर टू दी फोर स्ट्रोक इंजन, जैसा हमारा टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर, टू स्ट्रोक नहीं सिर्फ फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर जैसे पिस्टन वर्क करता है और पावर डेवलप होता है, टॉर्क जनरेट होता है, बिल्कुल उसी तरह ये पंप वर्क करेगा। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन ड्रॉज फ्लूड इनसाइड द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन रिट्रैक्ट इन द सिलेंडर बोर एंड डिस्चार्ज द फ्लूड व्हेन इज इट एक्सटेंड। जैसे कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे वो क्या करेगा, फ्लूड को ड्रॉ करेगा सिलेंडर के अंदर, फिर पिस्टन उस फ्लूड को कंप्रेस करेगा, जिससे इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा। फिर कुछ समय के बाद जैसे ही सफिशेंट प्रेशर डेवलप हो जाएगा, डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू, डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू हाई प्रेशराइज फ्लूड को वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरी तरफ वापस, टैंक से लो प्रेशर वाले फ्लूड को ड्रॉ करके लाएगा, वापस सेम वर्क प्रोवाइड करेगा। दिस पंप आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड कैन बी यूज फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस। पिस्टन पंप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ओके, लिक्विड और गैस दोनों के लिए, दोनों को ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडल करने के लिए पंप यूज़ होता है। पिस्टन पंप आर बेसिकली टू टाइप, दो तरह के पिस्टन पंप होते हैं, एक्सियल पिस्टन पंप, दूसरा होता है रेडियल पिस्टन पंप। क्लियर, पिस्टन पंप के दो टाइप से, दो प्रकार है, पहला है एक्सियल पिस्टन पंप और दूसरा है रेडियल पिस्टन पंप।
पहले डिस्कस करेंगे एक्सियल पंप को। एक्सियल पिस्टन पंप की बात करेंगे तो एक्सियल पिस्टन पंप इज ऑल्सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है क्योंकि वो पिस्टन पंप का ही एक प्रकार है। तो अगर पिस्टन पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सियल पिस्टन पंप भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होगा। विच कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ द इनपुट शाफ्ट इनटू एन एक्सियल रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। ये पंप क्या करेगा, जो भी इनपुट शाफ्ट का रोटेटिंग मोशन होगा उसको एक्सियल रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दिस पंप हैव अ नंबर ऑफ पिस्टन, यूजुअली एन ऑड नंबर। एक ही संख्या में ऑड नंबर के अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन होंगे, जैसे 1, 3, 5। वैसे इन अ सर्क्यूलर एरे विथ अ हाउसिंग विच इज़ कॉमनली रिफर टू एज अ सिलेंडर ब्लॉक, रोटर और बैरल, द पंप आर यूज इन अ जेट एयरक्राफ्ट। अगर सर्क्यूलर एरे के अंदर हम लोग पंप के हाउसिंग को कंसिडर करेंगे तो अंदर सिलेंडर ब्लॉक होगा, रोटर होगा, और ऐसा जो पंप है एक्सियल पिस्टन पंप वो जेट एयरक्राफ्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। दिस पंप हैव अ सब टाइप, एक्सियल पिस्टन पंप के भी और प्रकार है, और कैटेगरिया है, क्लासिफिकेशन है। तो पहले हमने डिस्कस किया मेन टॉपिक हमारा पिस्टन पंप। पिस्टन पंप में दो तरह के पंप हैं, एक्सियल पिस्टन पंप और रेडियल पिस्टन पंप। और एक्सियल पिस्टन पंप की बात करेंगे तो उसके अंदर और दो सब टाइप्स है। इसमें पहला है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप और दूसरा है स्वैश प्लेट एक्सियल पिस्टन पंप। मतलब पिस्टन पंप उसके अंदर दो कैटेगरी, एक्सियल रेडियल। एक्सियल के अंदर और दो कैटेगरी, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप और स्वैश प्लेट एक्सियल पिस्टन पंप। पहले देखेंगे बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। बेंट एक्सिस का मतलब क्या होता है, द सिमेट्रिक ऑफ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप आर शोन इन फिगर। इन दिस पंप द रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ द पिस्टन इज ऑब्टेन बाय बेंडिंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक का जो भी एक्सिस होगा उसको बेंड करके क्या करेंगे हम लोग, जो भी मोशन है वो क्रिएट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, द सिलेंडर ब्लॉक रोटेट एट द एंगल विच इज इंक्लाइन टू द ड्राइव शाफ्ट। द सिलेंडर ब्लॉक इज टर्नेड बाय द ड्राइवर शाफ्ट थ्रू द यूनिवर्सल लिंक। द सिलेंडर ब्लॉक इज सेट ऑफ एन ऑफसेट एंगल विथ अ ड्राइव शाफ्ट। द सिलेंडर ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ पिस्टन अलोंग इट्स प्रीफेरी। दिस पिस्टन रोड आर कनेक्टेड विथ द ड्राइव शाफ्ट फ्लैंज बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट डिस्चार्ज ऑफ द पंप इज कंट्रोल बाय द चेंजिंग द ऑफसेट एंगल। इट मेक्स द सिस्टम सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। चलिए फटाफट समझा देता हूँ वर्क इसका। पूरा पंप को यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दिया गया है। ये पंप का इनलेट है, ये पंप का आउटलेट है, क्लियर। अब जो ड्राइवर शाफ्ट है जो बेसिकली इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा वो यहाँ से गोल गोल घूमेगा शाफ्ट। उसके साथ हमने क्या किया है, तो जो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट के साथ हमने एक जो हमारा कंपोनेंट है टी शेप का, उसको थीटा जितने ऑफसेट एंगल के साथ इंक्लाइन करके ड्राइविंग का ड्राइवर शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। मतलब जितना ड्राइवर शाफ्ट घूमेगा उसके साथ थीटा जितने एंगल पे हमारा ये वाला कंपोनेंट घूमेगा। इसको हमने यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से एक पिस्टन यहाँ से कॉर्नर पे कनेक्ट किया है और दूसरा पिस्टन इस कॉर्नर पे कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो थीटा जितना एंगल उसके साथ यूनिवर्सल जॉइंट के साथ दो सिलेंडर ब्लॉक या फिर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर दो पिस्टन हमने रख दिए हैं,
एक ऊपर इनपुट वाले सेक्शन में और दूसरा आउटपुट वाले सेक्शन में। अब जब शाफ्ट घूमेगा तो ये वाला एलिमेंट है हमारा, वो भी क्या करेगा, शाफ्ट के साथ घूमेगा। जैसे वो घूमेगा तो यूनिवर्सल जॉइंट की वजह से, बॉल और सॉकेट जॉइंट की मदद से, ऊपर और ये नीचे वाला पिस्टन क्या करेगा, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करेगा। खास ध्यान रखना, रोटेटिंग मोशन कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जिससे ऊपर इनलेट वाले सेक्शन में फ्लूड एंटर होगा और फ्लूड के ऊपर वर्क होगा, हाई प्रेशराइज फ्लूड नीचे ट्रांसफ़र होगा, वापस यहाँ पे भी उसके ऊपर वर्क होगा और फाइनली मूविंग सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो पिस्टन मूव कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ, वो हाई प्रेशराइज फ्लूड को आउटलेट से यानी डिलीवर पोर्ट से बाहर हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज कर देगा। तो इनलेट से जब फ्लूड अंदर जाएगा तो उसका प्रेशर कम होगा, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप उसके ऊपर वर्क करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा और फिर डिस्चार्ज कर देगा। क्लियर। अब इसको बेंट एक्सिस पिस्टन पंप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है वो थीटा जितने एंगल पे ऑफसेट यानी इंक्लाइन करके हमने ड्राइवर शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया है, तो ये इंक्लाइंड है, इसको हमने बेंट किया है, ठीक है, पिस्टन पंप के साथ अरेंज करने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। और ये जो एंगल होता है एक्सिस को बेंट करने के लिए, वो बेसिकली होगा 0 to 40 degrees। एंगल कितना ऑफसेट करना है आपको, इंक्लाइन करना है 0 degree से लेके 40 degree तक। ओके, जैसे जैसे पंप आगे बढ़ेगा, पंप का डेली यूज़ होगा तो उसके अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक के साथ जो पिस्टन है वो ड्यू टू दी फ्रिक्शन घिसते जाएंगे, उसका वियरिंग होगा, तो कुछ समय बाद आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस में सिर्फ यही है कि भाई पिस्टन घिस जाएंगे तो उसको रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है जो इसको थोड़ा इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता बनाती है, किफ़ायती बनाती है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बेंट एक्सिस पिस्टन पंप देखा हमने, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर मेन कैटेगरी है हमारा पिस्टन पंप, जिसके अंदर एक्सियल पिस्टन पंप के अंदर हमने बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में इंफॉर्मेशन आज गेन किया। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, बाकी के पंप को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।